हमीरपुर में एनएसक्यूआई इकाई ने फर्जी डिग्री प्रकरण पर मामले पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। प्रदेश में 5 लाख के करीब फर्जी डिग्रियों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में प्रदेश के 2 नामी निजी यूनिवर्सिटीज का नाम सामने आया है। जिला एनएसयूआई अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि फर्जी डिग्रियों का मामला पहले भी एनएसयूआई ने उठाया था और शिक्षा मंत्री के पास इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि इसमें शिक्षा मंत्री की भी मिलीभगत है। हमीरपुर में एनएसयूआई इकाई ने फर्जी डिग्री प्रकरण पर मामले पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। प्रदेश में 5 लाख के करीब फर्जी डिग्रियों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में प्रदेश के 2 नामी निजी यूनिवर्सिटीज का नाम सामने आया है। जिला एनएसयूआई अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने कहा कि फर्जी डिग्रियों का मामला पहले भी एनएसयूआई ने उठाया था और शिक्षा मंत्री के पास इसकी शिकायत भी की गई थी, लेकिन सरकार ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। एनएसयूआई ने आरोप लगाया है कि इसमें शिक्षा मंत्री की भी मिलीभगत है। वहीं टोनी ठाकुर ने कहा कि तत्कालीन भाजपा सरकार में बड़े स्तर पर शिक्षा निजीकरण किया गया था, उसका ही खामियाजा आज आम छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। चंद रुपये के चक्कर में अधिकतर छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। टोनी ठाकुर ने कहा कि एनएसयूआई इसका हर स्तर पर विरोध करेगी और यदि सरकार इन संस्थानों की मान्यता रद्द नहीं करेगी तो प्रदेश स्तर पर इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी। आज जो यहाँ पे अनु महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया, आपको ज्ञात होगा कि गत दिनों में हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि हिमाचल प्रदेश के 2 नामी निजी जो कॉलेज थे, जो यूनिवर्सिटी थी, उनमें से 5 लाख के करीब जो है वो फर्जी डिग्री जो है वो बेची गई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह पर जो है वो किस तरह से फर्जीवाड़ा जो है हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के नाम पर जो है वो किया जा रहा है। 5 लाख के करीब जो डिग्रियां बेची गई है वो हिमाचल ऑन सेल का ही एक मुद्दा है। आपको याद होगा कि तत्कालीन जो भाजपा सरकार थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने जो था वो मुनाफे के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो थी वो खोल दी थी जिसपे उनकी हिस्सेदारी थी और उन्हीं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने आज जो है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर इतनी लूट पाट जो है वो मचाई हुई है। इसका खुलासा एनएसयूआई के प्रदेश महासचिव प्रतीक शर्मा जी ने पहले भी किया था। उन्होंने बकायदा शिक्षा मंत्री जी को जो था वो पत्र भी भेजा था इसके रिगार्डिंग, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री जी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उनका इसमें जो है वो मिली भगत है, क्या वो इसमें मिले हैं? एनएसयूआई इसका पूरे तरीके से जो है वो कड़ा विरोध करती है। आज हमारी स्टेट कॉल थी जो माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय जी ने निर्देशानुसार हमने आज जो है वो यहाँ पर जो है वो धरना प्रदर्शन किया है और एनएसयूआई आगे भी भविष्य में जो इस तरह को हिमाचल को बेचने का काम जो सरकारें करेंगी, जो संस्थान करेंगे, उसका कड़ा विरोध करेंगे। जय हिंद, तिरंगा सलाम, जय एनएसयूआई। कार्यक्रम में वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।